गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, HPS कॉलेज, मधेपुर, मधुबनी। ये जो मेरा आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ, और ये जो मेरा लेक्चर है वो BA पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर नंबर 2 मैं इसमें बताऊँगी, और पेपर नंबर 2 सबको पता आई थिंक आपको होगा ही सिलेबस आपके पास, क्लासिकल थिंकर। चूँकि अभी तक मैंने बहुत सारे ई कंटेंट दिए हुए थे, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो या जुलाई का, जो इतना भी टाइम टेन्योर गया हुआ है उसमें मैंने बहुत सारे ई कंटेंट दिए हुए हैं, जो कि HPS कॉलेज के वेबसाइट पर अपलोडेड है। आप उस पर जाइए, अगर आपको नहीं पता है तो आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके आप वेबसाइट पर कैसे जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और कैसे आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, और ई कंटेंट को भी देख सकते हैं, और अब वीडियो लेक्चर्स भी आ रहे हैं, आप उसको भी अच्छे से सुन सकते हैं। और आप रजिस्ट्रेशन करना होता है उसमें, और उसमें कोई फीस चार्ज नहीं है, तो आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए और उस लेक्चर को देखिए। और हम अपने वीडियो लेक्चर में ये पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये फील ना हो कि आप क्लासरूम के बाहर ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जैसे क्लासरूम में फैमिली बिहेवियर होता है, और हम एक जो भी टॉपिक होता है उस पर एकदम बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर की तरह कोई चीज़ मैं बताती हूँ, आप पूछते हैं। तो अब चूँकि आप पूछ नहीं सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कि मैम मेरे को ये शब्द नहीं समझ में आया, मैं उसको जो है फिर से उस पर एक लेक्चर अलग से दे दूँगी, एक रिवीजन लेक्चर दे दूँगी उस टॉपिक पर। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो आपका सेकेंड चैप्टर है, पेपर नंबर 2, BA पार्ट 1, पेपर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, अगस्त कॉम का, ठीक। और वंस अगेन, ये अगर आपको इस लेक्चर में कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है, ताकि मैं नेक्स्ट जो लेक्चर दूँ उसमें उस चीज़ों को फुलफिल किया जा सके, ठीक है। या कोई शब्द आपको ना समझ में आए तो भी आप पर्सनली मेरे से टेलीफोन से भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उससे भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप जो है मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पर। तो जब हम अगस्त कॉम्ट की बात करते हैं, बेसिकली ये क्लासिकल थिंकर थे, और किसी भी थिंकर की जब बात करते हैं, थिंकर मतलब थिंक मतलब सोचना, विचारक, किसी भी जब विचारक के बारे में हम बात करते हैं तो दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला बात कि उनका समय काल क्या था, कौन से काल के थे। तो अगस्त कॉम्ट का जो समय काल था 1798 से लेके 1857 तक का है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के तहत आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट करते भी चलिएगा। दूसरा है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, वो फ्रांस के थे। ये ऐसा क्यों है, क्यों हमें टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है, क्यों हम जहाँ के विचारक हैं वो कौन से प्लेस की हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम जिस जगह के रहने वाले होते हैं उसी के का जो आसपास का वातावरण होता है जिसमें हम पले बड़े होते हैं, उसी के तरीके से कहीं ना कहीं हमारा सोच और माइंड सेटअप भी होता है। तो जो भी हम कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है हमारे माइंड पर ज़रूर पड़ता है। इसीलिए कॉम्ट जब अगस्त कॉम्ट को पढ़ रहे हैं तो उनका जो टाइम पीरियड है, किस टाइम के थे वो, उस टाइम की जो वातावरण थी वो कैसी थी, ये भी पता चलता है, इसलिए हमको टाइम की ज़रूरत होती है। और जिस एरिया को बिलोंग करते थे, जिस जगह को बिलोंग करते थे, वो कैसा था, कितना डेवलप था, कितना नहीं, किस तरीके की व्यवस्था थी, उसका भी इम्पैक्ट जो है विचारकों पर पड़ता है। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1798 से लेकर 1857 तक का उनका टाइम है, और दूसरा वो फ्रांस के रहने वाले थे। और अगस्त कॉम की जैसे ही बात करते हैं तो जितने ही समाजशास्त्र के बच्चे हैं वो तुरंत उनके दिमाग में याद आ जाएगा कि जैसे ही, क्योंकि समाजशास्त्र जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, वैसे ही आता है कि समाजशास्त्र जो शब्द है उसको देने वाला व्यक्ति कौन है। तो अगस्त कॉम थे वो, इसका मतलब है कि अगस्त कॉम इज द फादर ऑफ सोशोलॉजी। उन्होंने सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, किसका, समाजशास्त्र जो शब्द है उसको कॉइन किया था। अब कब किया था, 1838 में, कब किया था, 1838 में अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द को की उत्पत्ति की थी। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1838 में जब समाजशास्त्र शब्द को उन्होंने किया था, तो समाजशास्त्र की शब्द की जगह उन्होंने एक दूसरा शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम, जिसको कहते हैं सामाजिक भौतिक शास्त्र, इंग्लिश में कहते हैं सोशल फिजिक्स। इन्होंने सबसे पहले सोशल फिजिक्स को रखा था सामाजिक भौतिक शास्त्र।
लेकिन बहुत सारे जो अलग अलग जो विचारक थे उनका कहना था कि इन्होंने ये जो शब्द है वो कहीं से और उठा लिया है, तो इस बात से उन्होंने इस शब्द की जगह जो उनका सोशल फिजिक्स था उसकी जगह उन्होंने सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1838 में। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है कि सोशोलॉजी की जगह उन्होंने अगस्त कॉम्प्ट में पहली बार कौन सा शब्द प्रयोग किया था, तो सोशल फिजिक्स को किया था। अब वो इस समाजशास्त्र की उनको क्यों ज़रूरत पड़ी? अब ये भी तो बात है कि क्या ज़रूरत थी उनको समाजशास्त्र की ज़रूरत थी। तो समाजशास्त्र का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये जिस समय जो उनका टाइम पीरियड था 19th century की बात कर रहे हैं, और जो उस समय जो समाज था वो उस वहाँ पे बहुत अव्यवस्था थी। अव्यवस्था कैसी थी कि बहुत सारी क्रांतियाँ हो रही थी, जैसे फ्रांस की क्रांति, यूरोप की क्रांति हुई थी, ठीक उसी समय जो है यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो जो माइंडसेट था लोगों का वो धीरे धीरे वो बदल रहा था। कैसे बदल रहा था? जहाँ व्यक्ति जो है पहले बिल्कुल ईश्वर पे विश्वास करना, भगवान पे विश्वास करना, जो भी समाज में जो घटनाएं घटित हो रही थी उसका जो कार्य कारण था वो उसको जो है ईश्वर से रिलेट करके जोड़ करके कहीं ना कहीं देखता था। लेकिन ये बहुत सारी क्रांतियाँ होने के कारण, दूसरा कि बहुत सारे जो है औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए, बहुत सारे साइंटिफिक विज्ञान का उत्पत्ति हुई, बहुत सारे जैसे भाप इंजन की का उत्पत्ति होना, जो तो ये जो चीज़ें थी वो क्या सोचने पे मजबूर करने लगी लोगों को, उनमें एक अव्यवस्था हो गई कि अभी सब चीज़ जो था वो सब भगवान से कि रात हो रही है तो वो भगवान के कारण हो रही है, और दिन हो रहा है या रात हो रही है, दिन हो रहा है, सुबह बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, ये जितनी भी सामाजिक घटनाएं हो रही थी उन सब का कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो ईश्वर से लगाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा था कि जो क्रांति हुई उसने लोगों के विचारों में बदलाव का एक बीज आरोपित किया, जिसके कारण क्या हो गई, अव्यवस्था समाज में स्टार्ट होने लगी। और इसी क्रम में लोगों के विचारों को में ये आया कि ये जो है विज्ञान क्या है और ये कैसे उत्पत्ति हो रही है, कैसे बहुत सारे वैज्ञानिक इक्विपमेंट्स जो थे उनका इन्वेंशन हो रहा था, तो इन सब चीज़ों ने लोगों को सोचने पे मजबूर किया और अव्यवस्था हुई। और इन सब का जो इम्पैक्ट पड़ा बहुत सारे सोशल थिंकर्स के ऊपर जो उस समय के थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनको उन्होंने उस पर रिसर्च किया, और समाज में एक व्यवस्था मेंटेन करने के लिए इन लोगों ने जो है बहुत सारे विचारों को रखा, और इन्हीं विचारकों में से अगस्त कॉम्ट भी एक थे। तो इनकी जो परिस्थिति थी, फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, यूरोप की क्रांति हुई, इन सब का प्रभाव इनके ऊपर था, प्लस इनके ऊपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी प्रभाव था, तो इन्होंने बहुत सारे अपने विचारों को सैद्धांतिक रूप प्रदान किया और दिया। और जितने भी ये सामाजिक घटनाएं हो रही थी उनका जो है एक साइंटिफिक कज़न इफ़ेक्ट जो था उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की कि अब जो ये जो जो भी समाज में ये घटनाएं हो रही हैं उनको उन्होंने वैज्ञानिक रूप देने का कोशिश किया था। किसने? अगस्त कॉम्प ने। क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो समाजशास्त्र है और जो विज्ञान है, इन दोनों के बीच जो है कि जो दूरी थी उसको ही कम करने का कोशिश जो है अगस्त कॉम्प्ट ने किया था। क्योंकि जो वैज्ञानिक थे उनका मानना था कि भाई जो रात होती है या दिन होता है उसके जो है वैज्ञानिक कारण है, लेकिन जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो इमोशंस हैं, जो भी हमारे जो सोसाइटी को चला रही हैं, जो इमोशंस जिस तरीके का, तो वो उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता था, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था। तो इसी को उन्होंने जो है अगस्त कॉम्प्ट ने दूर करने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण किया। तो उनका जो एक सिद्धांत है जैसे प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, इसके अलावा उन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस दिए, इसके अलावा उन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी भी दी, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत भी दिया। तो उन्होंने जो उनका प्रत्यक्षवाद जिसका पहली बार मैंने किया, तो प्रत्यक्षवाद
क्या है उनका। तो उस प्रत्यक्षवाद एक उनका वैज्ञानिक विचार है। इस प्रकार अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र और सामाजिक विचारों के क्षेत्र का निर्धारण किया, विज्ञानों का वर्गीकरण और उनके पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने चिंतन की तीन अवस्थाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि व्यवस्था का विकास ही प्रगति है। इसी क्रम में उन्होंने अगर कोई भी जो सामाजिक विचारक होता है, जो भी थिंकर्स होते हैं, उन पे किसी ना किसी उनकी एक मेथड होती है किसी भी सिद्धांत को बनाने के लिए। तो अगर हम अगस्त कॉम्ट की बात करें तो अगस्त कॉम्ट का जो उन्होंने जिस मेथनोलॉजी का प्रयोग किया उसको प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद पे हमें एक अलग से लेक्चर बताऊंगी आपको कि क्या है प्रत्यक्षवाद। शॉर्ट में हम जानेंगे कि प्रत्यक्षवाद एक ऐसी जो है, प्रत्यक्षवाद को उन्होंने बेसिकली विज्ञान से जो है को रिलेट किया और कहा कि जिस प्रकार विज्ञान में जो है हम अवलोकन करके, उसका वर्गीकरण करके और किसी भी जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका अवलोकन और वर्गीकरण करके उसकी सत्यता की जांच करते हैं, उसकी सत्यता का पता लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, जिसे उन्होंने प्रत्यक्षवाद कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि भाई विज्ञान जो है, जैसे कि बॉटनी है, जो जूलॉजी है, या जो मैथ्स है, जो फिज़िक्स है, जो केमिस्ट्री है, उनमें जो जो कुछ भी होता है उसके लिए एक प्रयोगशाला है। उस प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, उसका निरीक्षण परीक्षण करते हैं और एक सत्य जो एक निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है उसकी जांच भी हो जाती है कि सत्यता है, तो उसको बार बार सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि विज्ञान जो भी ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स या जूलॉजी, ये सब क्या है, विज्ञान के पार्ट हैं। तो इसी क्रम में कॉम्ट ने जो है प्रत्यक्षवाद के माध्यम से किया कि समाज में घटित होने वाली जो प्रत्येक घटनाएँ हैं उनका भी हम अध्ययन किसी प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो समाज है इतना बड़ा सा, इसी को उन्होंने प्रयोगशाला कहा और कहा कि इसी के अंदर हम उसका भी जैसे कि विज्ञानों के विषय, जो वैज्ञानिक विषय हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में प्रत्येक घटित होने वाली प्रत्येक घटनाओं का भी हम निरीक्षण परीक्षण और वर्गीकरण करके हम एक वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगस्त कॉम्ट ने बहुत सारी बुक का निर्माण किया था, बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जिसमें से उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसको कहते हैं, उसको याद रखिएगा, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। 1830 से 42 के बीच में ये लिखी गई बुक थी, लिखी गई थी, और इसमें उन्होंने पॉजिटिविज्म के बारे में लिखा था, इसमें उन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के बारे में भी लिखा था, और साथ ही इन्होंने इसमें समाजशास्त्र की आवश्यकता, उसकी जो उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण करके भी एक सिद्धांत दिया था उसका भी उल्लेख उन्होंने बुक में किया हुआ था। तो ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। इसके अलावा भी उन्होंने एक बुक लिखी थी, सिस्टम पॉजिटिव पॉलिटी की, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, 1851 से 54 के बीच का है ये। और दूसरा उन्होंने कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म 1852 में लिखी थी, इसमें भी उन्होंने जो है जो पॉजिटिविज्म था उसके बारे में इसमें उन्होंने इसमें भी चर्चा की हुई है। और इसके अलावा उन्होंने एक जो बुक थी उनकी इम्पॉर्टेंट, अ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इसमें देखिए आपको सबसे समझ में आएगा क्या, अ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रिकग्निशन ऑफ सोसाइटी। इसका इसमें इन्होंने जो है जो भी समाज में विभिन्न क्रांतियों के कारण जो है अव्यवस्था थी उसको व्यवस्थित कैसे किया जाए की चर्चा की थी। इसके अलावा एक बात बहुत और इम्पॉर्टेंट होती है कि किसी भी सामाजिक विचारक पर किसी वो किस किसी और किस किस विचारक से जो है प्रभावित थे, क्योंकि जब हम दूसरे के थिंक जो किसी और की बातों को सुनते हैं समझते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो हमको इफ़ेक्ट करती है, और जब हम
उस पर कोई काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको जो है मदद करती है। तो अगस्त कॉम्ट के ऊपर दो बहुत इम्पॉर्टेंट विचारकों का जो है प्रभाव था, एक थे जो सेंट साइमन थे और एक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसका प्रभाव उनके ऊपर काफ़ी था। उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए थे उसको दिया था। इस प्रकार इस पूरे लेक्चर में जो है मैंने सिर्फ अगस्त कॉम्ट के का जो एक बैकग्राउंड था उस पर चर्चा की हुई है, और जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम जो है इनकी थियरीज़ को स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो थियरीज पढ़ेंगे वो प्रत्यक्षवाद पढ़ेंगे कि आखिर उनका प्रत्यक्षवाद क्या था, वो क्या कहता था, उसकी विशेषताएँ क्या थी। तो आज का जो मेरा लेक्चर था बेसिकली अगस्त कॉम्ट कौन थे, उन्होंने क्या किया था और जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, इस पर चर्चा की। तो जो दो इम्पॉर्टेंट बात लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं रिवीजन कराना चाहती हूँ कि वो क्या थी, कि अगस्त कॉम्ट जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते थे। उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1838 में, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बनी है, सोशियस और लॉगस, दो अलग अलग, एक लैटिन भाषा से सोशियस और ग्रीक भाषा से लिया गया है लॉगस। तो ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बनी हुई है, और जिसका तात्पर्य होता है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। सोशियस मतलब समाज और लॉगस मतलब शास्त्र। तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सोशियस और लॉगस, समाज और शास्त्र अर्थात समाज का शास्त्र, एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम समाज में होने वाली प्रत्येक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये बात थी। दूसरा, उन्होंने जो है उनकी दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था कि समाज में होने वाली प्रत्येक घटनाओं का उन्होंने जो है एक वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा अध्ययन करने की कोशिश की थी, और ये वैज्ञानिक पद्धति जो थी उसी को वो प्रत्यक्षवाद कहते थे। इस प्रकार आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगर इसमें कोई कमी रह जाएगी तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं प्रत्यक्षवाद पर फिर से मिलूँगी आपसे। थैंक यू।